नेक्स्ट टॉपिक है क्लास सेल्फ इंडक्शन। भी अपने आप से नाम से पता चलता है भाई, सेल्फ इंडक्शंस क्या होता है। देखिए एक क्वाइल है भाई, मैं क्वाइल को ऐसे क्यों बना रहा हूँ इस नोट में, इसको क्वाइल बोल रहा हूँ, वायर क्यों नहीं बोल रहा इसको, घुमी हुई बस। ये डिवाइस का नाम है इंडक्टर डिवाइस है भाई, इट इज़ कॉल्ड इंडक्टर। अभी नेक्स्ट में बताऊँगा इसका नाम, अभी बताया नहीं हमने, अभी नाम नहीं आया इसका। ये सिर्फ क्या है, कॉयल है ठीक है। और ये जोड़ दी मैंने बैटरी के साथ भी, अभी देखिए कर लोगे। कुछ खास लग रहा है इस कॉयल में, कुछ खास नहीं, एक सिंपल वायर है जो घुमा रखी है स्प्रिंग की तरह भी, कर लोगे। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है अभी क्लास, देखिए इस की को जब मैं ऑन करूँगा तो ये करंट चेंज होगा अभी, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, डीसी खासियत यही है भाई, करंट एकदम से बन नहीं जाता, वो चेंज होते जाता है अभी। करंट जब चेंज होगा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अभी, यस और नो, यानी चेंज होगा। अब इसमें टर्न्स लगा रखे हैं से मैंने, अब एक में फील्ड चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट सेकेंड पे पड़ेगा, सेकेंड का थर्ड पे पड़ेगा ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, पूरी कॉइल के अंदर ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी भी बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स भी, यस और नो। इसी कॉइल में क्या बन जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। उसकी खासियत क्या है, वो अपनी ही प्रोडक्शन को अपोज भी करता है भाई, तो किसको अपोज करेगा, इस बैटरी के करंट को चेंज होने से रोकेगा भी, यस और नो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शंस में। ये एक कॉइल की प्रॉपर्टी है जिस कॉइल में करंट को चेंज करने से ही करंट बनता है, और वो करंट उस करंट को चेंज होने से रोकता है। समझ में आया, देखिए मान लेते हैं करंट जीरो था, पाँच से पहुंचना था, कुछ स्टेप्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यस और नो। पहले करंट को एकदम से चला गया, यहाँ पे चेंज तो हुआ है, लेकिन अभी इंड्यूस करंट बनने से क्या होगा, इस चेंज को रोक रहा है तो ये आराम से जा रहा होगा अभी, यस और नो। जितना आराम से जाएगा उतना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ज़्यादा क्या बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा, यस और नो। इसी कॉइल में इंड्यूस करंट बनना है, डायरेक्शन क्या होगी करंट की, इस करंट से उल्टा होगा भाई, ये वाला अपोज करना तो ऐसे ही बनने का, यस और नो, समझ में आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शंस, कर लोगे तो लिख लीजिएगा सिंपल डेफिनेशन भाई। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्वाइल, प्रॉपर्टी ऑफ वन क्वाइल इन विच क्वाइल अपोज द एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट बाई इंड्यूस्ड ई एम एफ। कुछ समझ में आ रहा है जो लिखवाया गया है, क्या लिखवाया दोबारा बताइए मेरे को। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्वाइल, एक क्वाइल की प्रॉपर्टी है, ओके। इन विच क्वाइल अपोज द एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी, क्वाइल ही क्या करती है, अपने करंट को चेंज होने से रोक रही होगी बाई इंड्यूस्ड ई एम एफ, मैंने उसमें इंड्यूसमेंट बन चुकी है अभी, उसकी हेल्प से क्या कर रही होगी, अपनी ही क्वाइल के अंदर करंट को चेंज होने से रोक रही होगी, कौन, क्वाइल ही रोक रही होगी, किसकी हेल्प से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की हेल्प से, यस और नो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको। एनी प्रॉब्लम क्लास, कर पाओगे भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स लिखिए, लेट फाइव क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मेरे को बताओ, जितना ज़्यादा फ्लक्स मैं चेंज करूँगा क्या उतना ज़्यादा करंट बनेगा, ये बात बिल्कुल सही है, यस और नो। तो आई क्या मान लेता हूँ, इंड्यूस्ड करंट। क्या मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट भाई, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, यस और नो। तो लिख लीजिए इंड्यूस्ड करंट इज directly proportional to
इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी क्या लिखा था मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स भी। इंड्यूस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, सही बात है। यानी लिख सकता हूँ आई प्रोपोर्शनल टू फाई, या उल्टा लिख सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू आई, यस और नो? तो कुछ तो कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, तो फाइव इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज, लिखिए कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी, एल यूज करा बुक कोड़ा, कुछ और कर दिया मैंने, लिखिए एल क्या है, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हमें मोस्टली एल ही निकालना होता है हर जगह पे भी, कर लोगे? तो एल क्या है, एक नया कॉन्स्टेंट बन रहा है, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, कुछ याद है? इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यस और नो? तो फाई तो मैंने निकाल लिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, माइनस डी बाई डी टी, और फाई कितना है एल आई वाई, मैंने बोला है एल तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस इज अनदर फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय सेल्फ इंडक्शंस, कर लोगे? ठीक है, तो क्या आप यहां से एल को डिफाइन कर सकते हो, एल क्या है, एल तो यहां भी हो जाएगा डिफाइन, ऐसी बात नहीं है, क्या लिखोगे, फ्लक्स बटे करंट, यस और नो? फ्लक्स कितना होना चाहिए, वन वेबर, आई कितना होना चाहिए, वन एम्पियर, तो व्हाट इज एल, यूनिट होती है एल की, हेनरी भी बताऊंगा अभी, अभी मत लिखो, हो गया इतना, कर लोगे? अब आगे लिखिए भी इसमें, एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एस आई यूनिट ऑफ एल, हेनरी होती है अभी, हेनरी, इसको एच से लिखते हैं, एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, वन हेनरी आपको डिफाइन करना अभी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, क्लास एल का वैल्यू कितना होगा, ई वाई डी आई बाई डी टी, यस और नो? तो ये एल वन हेनरी क्यों हो सकता जब ई का वैल्यू वन ओ वी, वन वोल्ट, माइनस लगा दो ना लगाओ, दिखाता सिर्फ ये पोज करता है, यस और नो? मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, यहाँ पर तुम बोलोगे भूल गया होगा, यस और नो? छोटी हुई थी मैंने, कर लोगे? व्हाट इज द डी आई बाई डी टी, इसका वैल्यू होना चाहिए वन एम्पियर पर सेकेंड, वन एम्पियर पर सेकेंड, अगर ये कंडीशन है तो एल की वैल्यू वन हो जाएगी उसे, यस और नो? यानी वन हेनरी इज इक्वल टू वन वोल्ट बाई वन एम्पियर पर सेकेंड, वन एम्पियर पर सेकेंड, लिख लीजिएगा, डिफाइन करो के, इतना हो गया भाई, लिखिए वन हेनरी इज दैट सेल्फ इंडक्शन, वन हेनरी इज दैट सेल्फ इंडक्शन विच प्रोड्यूस वन वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, विच प्रोड्यूस वन वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग इंड्यूस्ड करंट, By changing induced current of 1 ampere per second. Okay? Yes, sir. By changing induced current of 1 ampere per second. एक तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से भी, या आप ऐसे भी कर लीजिए, हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला पहले वाला, L is equal to, sorry, 5 is equal to L I, यही था, तो व्हाट इज द एल, फाइव बाई आई, वन हेनरी किसके बराबर होगा क्लास, यहां से भी फ्लक्स है वन वेबर भी, करंट है वन एम्पियर,
करंट है 1 एम्पियर। तो 1 हेनरी यहां से करो तो डिफाइन कैसे करोगे? 1 हेनरी इज दैट सेल्फ इंडक्शन विच प्रोड्यूस 1 एम्पियर इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई बाय चेंजिंग 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे भी कर सकते हो। लिख तो दो कम से कम, लिख तो लैंग्वेज लिखनी होती है उसके बाद। तो कर लोगे? मर्जी है किसी से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। यहाँ से कर पाओगे भाई? समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास, आपके बोर्ड में पूछा गया डायमेंशन फार्मूला। भाई ये याद नहीं करते इस चीज़ का, निकालो जल्दी से निकल देखा मेरे को डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल पे। रब करते हैं भाई बाकी, क्यों हो गया? ये डिफाइन कर सकते हो ना? यस सर ना? एक इंडस 1 एम्पीयर करंट बनाना है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। कर लोगे? कुछ नहीं है। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू क्या होता है पता आपको? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है तो निकाल लो, इससे निकल जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाओ, क्यू का लगाओ। क्यू का क्या होता है? एटी होता है। करंट का ए हो गया, टाइम का 1/T, मतलब यहाँ पे ना ऊपर टी चला जाएगा। ये कर लोगे तो उसका आंसर होगा भाई m1 l2 t-2 a-2। दिस डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल वी सेल्फ इंडक्शंस। एनी प्रॉब्लम क्लास? हमारे पास एक सोलेनोइड है, आपके बना लेता हूँ। ठीक है, इट हैव एंट्रेंस वे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड एंड वी हैव ए सोलेनोइड। इसमें एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इसमें एल क्या है इसका? समो ले लेते हैं, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो एक सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू कितना था? म्यू नोट एन आई बाई एल। यस और नो? म्यू नोट एन आई बाई एल। इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए सोलेनोइड। देखिए, जब फील्ड चेंज होएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू करंट चेंज होएगा, तो फील्ड बदलेगा भी, इसका फ्लक्स भी बदलेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू 1 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 टर्न्स कितना होगा भाई? फाइ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू 1 टर्न। सिंपल है भाई, बी इंटू एरिया। भाई बी कितना चेंज हो रहा है और उसका एरिया कितना है 1 टर्न्स का भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कितना आएगा? बी इंटू ए वी, बी इंटू ए। कितने टर्न टोटल मिला के? एन टर्न्स। तो टोटल फ्लक्स कितना चेंज हुआ? देखो भाई, आप ढंग से देखें ना इसको पूरा को, ये ऐसा लगता है कि रिंग बनी हुई है हर जगह पे। कितना रिंग है? एन रिंग्स। तो हर एक का फील्ड क्या होगा? एड होगा। तो डायरेक्शन से करंट क्या है? सेम है सभी के लिए। कर लोगे? एक का निकाल लिया मल्टीप्लाई बाई एन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये 1 टर्न्स के लिए होगा आपका। एक टर्न में फ्लक्स चेंज हुआ तो एक्स में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा। टोटल फ्लक्स कितना हुआ भाई? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए इंटू एन बी। यस और नो? बी इंटू ए इंटू एन। ये एक का लिए टोटल टर्न्स कितना है? एन। ये चेंज करना आपको सिर्फ, जहाँ पे मैंने बी ए लिखा हुआ ना, उसको लिख दीजिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके गुण मल्टीप्लाई एन कर दीजिएगा। कर लोगे? बस एन आ जाएगा आपका वहाँ पे। वाक्य आपको चेंज करना, देख लो आगे मल्टीप्लाई एन, एन स्क्वायर बन जाएगा उस पॉइंट पे आके आपका। कर लोगे ना? देखो भाई, इतना हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ फाइव, फाइव कितना होगा यहाँ पे चेक कीजिए। फाइव इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? म्यू नोट एन आई बाई एल इंटू ए इंटू एन वी। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, देन फाइव इज इक्वल टू लिख सकता हूँ म्यू नोट एन स्क्वेयर आई ए बाई एल, आई ए बाई एल। ओके, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फाइव फर्स्ट मान लें इसको, इक्वेशन फर्स्ट है भाई। एक फाइव ये भी था भाई, इट इज इक्वल टू एल आई, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो या फाइव की वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है।
कर लोगे? तो कितना आएगा? एल आई इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वेयर आई ए बाई एल। आई से आई काट दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट इज स्मॉल एल, विल लेंथ ऑफ सोलेनोइड्स यूज कर रहे हम लोग स्मॉल एल। तो इट इज म्यू नोट एन स्क्वेयर ए बाई एल। इट इज द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड विल। डिफरेंस समझ में आया? हम हर एक ट्रंस का चेक करेंगे फ्लक्स कितना होगा। मैं समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द सेल्फ इंडक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। इसके अंदर हम दो कॉइल यूज करेंगे। अभी देखिए, एक कॉइल ये लग लेते हैं और एक कॉइल बिल्कुल उसके नज़दीक रखी जाती है। अभी हम क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर करंट को चेंज करवाएंगे मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो इस कॉइल के अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, यस और नो? फ्लक्स बदलेगा, इसके नज़दीक गियर रखी गई है इसमें भी फ्लक्स बदलेगा भाई। कर लोगे तो इस कॉइल के अंदर क्या बन जाएगा? एक आप जोड़ते ना, जी से जोड़ते इसको, दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट था ये, याद है? यहाँ से जी जोड़ा गया था बताने के लिए कि किसमें करंट बनता है भाई। तो इसके अंदर एक करंट बनेगा, वो करंट क्या करेगा? अपनी ही प्रोडक्शन को अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? इस करंट को चेंज होने से रोकेगा। अभी इमेजिन कर पा रहे इस करंट को चेंज होने से दो चीज़ें रोक रही हैं अभी, एक सेल्फ इंडक्शन, दूसरी कौन सी? म्यूचुअल इंडक्शन। कर लोगे? लिख लीजिए क्या होता है भाई। लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल। उठा लो भाई। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल इन विच वन क्वाइल अपोज द एनी चेंज इन स्ट्रेंथ one coil opposed the any change in strength of current in other coil by induced EMF दोबारा देखिएगा। इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू क्वाइल इन विच वन क्वाइल अपोज द एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अदर क्वाइल बाई इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन चुकी है जो इस क्वाइल के करंट को चेंज होने से रोक रही है। यस और नो? इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शंस। भी तो सिंपल है भाई, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे, करंट डिपेंड करता है फ्लक्स पे भी। यस और नो? तो लिख लीजिए, इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आई प्रोपोर्शनल टू फाई, सही है? उल्टा भी लिख सकता हूँ, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। यस और नो? ठीक है, फाइव इज इक्वल टू कितना होगा भाई? एम आई एम इज, लिख दीजिएगा। ये है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डायग्राम हो चुका है भाई। अब देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था? बना तो मेरे को वही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सिंपल है माइनस डी फाइव बाई डी टी बाई यूजिंग फेरेडेला। अभी माइनस डी फाइव बाई डी टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाइव कितना भाई? एम आई, सही लिखा है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? माइनस एम डी आई बाई डी टी। कुछ फर्क लग रहा है आपको टॉपिक में? पहले वाले इसमें सर कॉन्स्टेंट बदले हैं हम लोगों ने, बाकी सेम है। यस और नो? तो E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय यूजिंग म्यूचुअल इंडक्शंस। भी कर लोगे? अब क्वेश्चन वही है, M का यूनिट क्या होगा? सेम चीजें हैं भाई, सेम यूनिट होगा। यूनिट ऑफ M लिखिए हेनरी। भी यूनिट ऑफ M इज हेनरी, H से लिखते ना इसको हम लोग,
हेनरी। म्यूट ऑफ एम एज उसकी भी नोट कितनी थी? हेनरी है भाई, सेम चीज़ें हैं सब कुछ। यस सर नो, हाँ फर्क इतना हो सकता है कि दो है एक पाँच है, चीज़ तो वही है अभी, वैल्यू का फर्क हो सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम भी, एम यहाँ से कितना आएगा? माइनस ई ले लूँ बाई डी आई बाई डी टी। अगर आपको वन हेनरी को डिफाइन करना हो कैसे करोगे? वन हेनरी इज इक्वल टू वन वोल्ट बाई वन एम्पियर पर सेकेंड, वन एम्पियर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप क्या करोगे वन एम्पियर पर सेकेंड का करंट चेंज करोगे तो इंड्यूस्ड एम कितने बनेगी? वन वोल्ट, उसको बोलेंगे वन हेनरी भी। यस सर नो, डिफाइन करो अपने आप, कर पाओगे या लिखवाऊँ? जल्दी से लिखो, वन हेनरी क्या होता है? क्या होता था? वन हेनरी इज दैट ए म्यूचुअल इंडक्शन विच प्रोड्यूस ए इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ वन वोल्ट व्हेन वी चेंज द करंट वन एम्पियर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट टाइम निकाला था वही है भाई, सेम बिल्कुल। एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, याद रखिएगा भाई, याद रखेंगे चीज़ों के ऊपर लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। भी कोएक्सियल सोलेनोइड क्या होता है? बुक से नहीं कराऊंगा भाई, बुक में भी दे रखा है, बताएंगे कि बुक में क्या है, ये वही कराऊंगा जो हमारे सर ने मेरे को कभी कराया था भाई, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक सोलेनोइड है भाई। व्हाट इज कोएक्सियल सोलेनोइड भी? सेम एक्सिस भी होने चाहिए सारे उसके। बुक वाला भी, बुक में डिफरेंस क्या है? मेरे डिफरेंस का दोनों का आंसर सेम है अभी, कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो इस पे हमने क्या किया, वायर वाउंड कर दी भी। यस सर ना, एक वायर तो ये होगी क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में एक वायर से कम नहीं चलेगा अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लोगे? हम एक और वायर वाउंड करते हैं इसी के ऊपर भी, और दोनों ही वायर क्या है? इंसुलेटेड है भी, आपस में करंट फ्लो नहीं करेगा भाई। तो क्या बन गया ये? इट इज कोएक्सियल सोलेनोइड्स पे, दो बन गए सोलेनोइड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो ऐसा नहीं मत करना कि वायर में से आपस में करंट फ्लो कर रहा है थोड़ी वायर में, दोनों ही क्या है? वायर इंसुलेटेड है भाई, करंट फ्लो नहीं करेगा भाई एक दूसरे के अंदर। कर लोगे? अब आपने क्या किया, इससे करंट फ्लो करवाया आई करंट, ओके, और इसमें इंड्यूस करंट बनेगी होगी क्योंकि इसके ऊपर लपेट रखा है इसको। यस सर नो, अब ये भी मान लेते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं भाई, दूरी थोड़ी बराबर होंगे। कर लोगे? इसके टर्न्स में कितने मान लेता हूँ? एन वन मान लेते हैं, इसके टर्न्स कितने हैं? एन टू। लेंथ तो वही है भाई क्योंकि एक ही सिलेंडर यूज किया गया। कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायग्राम बनाया गया इसका, कैपिटल ले लो उसको, बाद में दिक्कत होगी नहीं मेरे को इसमें। एन वन एन टू भी, एन वन एन टू क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल वन एंड सेकेंड भी, दो क्वाइल मान रहा हूँ वन एंड टू भी, ठीक है। ये वन के हैं, ये सेकेंड के हैं। कर लोगे? एल कितना है? लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड। अब टॉपिक को ध्यान से देखिए, अभी इतना हो गया क्लास। ए क्या है इसका? एरिया मान लेते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, अब लिखने लगे तो। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन होता है कितना मोटा पाइप यूज किया आप लोगों ने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ में आ रहा है? और आई क्या है? जो करंट फ्लो कर रहा है भाई, सही लिखा है, याद रख, समझ में आया है, ओके। अब देखिए ये जो है क्वाइल, इसमें से क्या है? करंट फ्लो कर रहा है, फर्स्ट क्वाइल में से करंट फ्लो कर रहा है भाई। तो फर्स्ट क्वाइल कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा भाई आपको? सिंपल है, इट इज सोलेनोइड भाई। यस और नो, मैग्नेटिक फील्ड बाय फर्स्ट क्वाइल भी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है भाई पहले तो। मैग्नेटिक फील्ड बाय फर्स्ट क्वाइल, इसको भी ले लूं, कितना होगा क्लस? म्यू नोट
एन वन आई बाई एल वे, यस और नो? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही है हमारा टॉपिक, यस और नो? अब इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, ये पक्की बात है, यस और नो? बाई मैग्नेटिक फ्लक्स भी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल, वन टर्न्स ऑफ कॉइल सेकेंड वे, समझ में आ रहा क्या बोलना चाहता हूँ? मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन टर्न्स ऑफ क्वाइल सेकेंड वे, क्योंकि बी तो इसका है ना, मैग्नेट फील्ड बंद, इसमें करंट तो इसमें बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसमें एक में कितना होगा इज इक्वल टू बी इंटू ए, यस और नो? टोटल कितना होगा भाई? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स तो 5 इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कितने टर्न्स हैं उसके भी, एंड टू, उसमें कितने टर्न्स हैं, एंड टू, यस और नो? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल भी कर लोगे? तो इस 5 को कंपेयर कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के साथ, तरह नहीं फिर रहता है मोबाइल पे। देखिए भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय वन कॉइल, दिस वैल्यू मी नोट एन वन बाई एन आई बाई एल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन टर्न्स ऑफ द कॉइल सेकेंड वे, कितना वैल्यू आएगा? बी इन टू एरिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया भाई, एक टर्न्स के लिए, एन के लिए मल्टीप्लाई बाई एन टू, इक्वल टू बी कितना था, म्यू नोट एन वन आई, ऐसे रखते एन वन एन टू आई ए बाई एल, यस और नो? बी का वैल्यू पुट कर दिया, म्यू नोट एन वन एन टू आई ए बाई एल। तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और एक फाइव हमने ये भी पढ़ा था एम आई भी, एम आई, ठीक है, तो कितना होगा है? ठीक है, तो हो जाएगा भाई। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेफ्ट बराबर राइट बराबर कर दीजिए, एम आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू आई ए बाई एल, तो आई से आई काट दूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल, यस और नो? दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड वे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसमें एक चीज आती है क्लास, कि अगर कॉइल की कम्बिनेशन की जाए, फिर बनता नहीं है टॉपिक कोई, फिर भी कम्बिनेशन किया जाए, लिख दो कम्बिनेशन ऑफ कॉइल वे, कम्बिनेशन ऑफ कॉइल, कॉइल का कम्बिनेशन किया जाए अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, नॉट म्यूचुअल, यूज नहीं करना चाहते हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल लिख दी सिंपल वे, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉइल। अब देखो ये होता कॉम्बिनेशन भी, एक सीरीज एक पैरेलल, ऐसे कॉइल बना दी जाए, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी बना लेते हैं इसका क्वेश्चन एक, इसका इंडक्शन एल वन ले लेते हैं, एल था ना एल वन, इसका एल टू, सीरीज में एज लाइक रेजिस्टेंस भी, कोई भी कॉम्बिनेशन करो आप लोग, कोई भी कॉम्बिनेशन करो, एक रूल है भाई उसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है भाई, करंट कांस्टेंट रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, यस और नो? तो इसमें इंड्यूस में बनेगा कुछ ना कुछ, तो इसको ई वन मान लेते हैं, इसका बनेगा ई टू मान लेते हैं, तो नेट कितना बना, ई वन प्लस ई टू, यस और नो? यही तो है कॉम्बिनेशन, यस और नो? और इंड्यूस टीम का फार्मूला क्या बना था याद हो तो आपको, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, पुटिंग द वैल्यूज भी, यहां पे कितना पढ़ना है, कितना इसको पूरा कर लेते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यस और नो? इज इक्वल टू इसका कितना पढ़ना भाई, माइनस एल वन डी आई बाई डी टी, वाई करंट सी सेम भी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम रहेगा, चेंज भी सेम रहेगा करंट का, सीरीज है भाई, प्लस
सॉरी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी। अगर आपको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पता है तो आप कोई भी टॉपिक कर लीजिए कॉम्बिनेशन में, प्रॉब्लम नहीं है भाई, कर लोगे। अब सारे माइनस काट दूँ, सारे डी आई काट दूँ, कितना आंसर आएगा? एल वन प्लस एल टू। बाई चांस कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें दो इंडक्टर यूज किए गए हैं तो सिंपल जोड़ना उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में भी, उनकी वैल्यूज को भी कर लोगे। अगर वही कॉम्बिनेशन किस में हो जाए, पैरेलल में हो जाए तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट पूरा हो गया, सीरीज में कैसा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकंड पॉइंट डालिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी, ये L1 है, ये L2 है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगा? क्लास EMF कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, करंट पोषता करंट चेंज हो जाए। ये कितना है करंट? I1 ले लेते हैं। ये कितना इंड्यूस करंट है? I2 है। यस सर नो? तो नेट करंट कितना होगा? नेट इंड्यूस करंट I1 प्लस I2। एक ही तरीका है, जो वेरिएबल है उसको लेकर चल पड़ो। यस सर नो? और फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या था ई, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस सर नो? इसका डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों मेरे को डी आई बाई डी टी चाहिए वहां से, कर लोगे? कितना आएगा? डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। यस सर नो? और यहां से क्या डी आई निकाल सकते हो? ई वाई एल आएगा, कर लोगे? विद माइनस साइन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कट जाएगा आखिरी में। वो कितना आएगा? इसका वैल्यू चेक करें तो कितना आएगा भाई? इसका ईएमएफ सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल सेम रहे हर जगह पे, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। यस सर नो? बाई एल माइनस का, इस फार्मूले के हिसाब से देख लीजिए डी आई वाई डी टी कितना होगा, E by L भी कर लोगे? इसका माइनस E by L1, इसका माइनस E by L2 भाई, क्या मैंने सही लिखा है अभी? अरे बता दो, E से ही काट दूं, माइनस से माइनस काट दूं, कितना आंसर आएगा? 1 by L is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 as like resistance भी, but it is not resistance, याद रखिएगा भाई। सही है, कर पाओगे? टॉपिक कंप्लीट भाई। लिखिए क्लास फर्स्ट क्वेश्चन भाई, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो द क्वाइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो द क्वाइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन डायरेक्टेड इनटू पेपर, directed into paper is varying according to the relation, is varying according to the relation, थोड़ी स्पीड से लिखिए अभी क्वेश्चन को, ठीक है? क्या रिलेशन दे रखा है? फाइव इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वेयर प्लस टेन टी प्लस फाइव मिली वेबर भी, मिली वेबर। कैलकुलेट द, राइट कर लिया, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट टाइम फाइव सेकंड, एट टाइम फाइव सेकंड, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है इन द टाइम फाइव सेकंड भी, कुछ नहीं है करने के लिए। आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है? इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, माइनस नहीं लिख रहा भाई, क्लास वैल्यू मत लिख रहा, माइनस की वैल्यू में नहीं आएगा माइनस, इसकी ओनली डायरेक्शन भी कर लोगे तो सिंपल डेरिवेटिव करना भाई। यस सर नो? तो कितना आएगा? डी बाई डी टी, किसका डेरिवेटिव करना है? फाइव टी स्क्वेयर प्लस टेन टी प्लस फाइव भी, डेरिवेटिव करना आता है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5t स्क्वायर भी? 10t हो गया भी, प्लस 10, 5 का 0, कर लोगे? टाइम ही दे रखा है 5 सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम 5 प्लस 10
ओके कितना हो गया 60, क्या लिखूं वोल्ट, ईएमएफ है अभी, हाँ मिली लिख डालना पड़ेगा भाई, सही बात है अभी। कितना आंसर आएगा, गुणा में 10^-3, अब सही है, मिली है भाई, वेबर, वेबर नहीं है, मिली वेबर है, तो गुणा में क्या चल रहा है 10^3 भी चल रहा है, 3 कर लोगे क्यों। लिखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अभी, एन एयरक्राफ्ट विद विंग WING विंग स्पैन SPAN विंग स्पैन ऑफ 40 meters विंग स्पैन ऑफ 40 meters फ्लाई विद स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर हावर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट द कॉन्स्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 1.75 × 10^-5 टेस्ला 1.75 × 10^-5 टेस्ला लिखा हुआ है, कर लोगे। फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द विंग्स भी, फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस इन विंग्स। क्या अभी पहला गिवन है, उसकी विंग्स हैं, इसकी लंबाई दे रखी है इन्होंने, अभी कितनी है, एल है 40 meters भी, यस और नो। फिर उन्होंने इसका स्पीड दे रखा है, अभी स्पीड कितना है 1080 किलोमीटर पर हावर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, 1080 को 5/18 से भाग दे दूं, सॉरी गुणा कर दूं, करना आता है कि नहीं आता, किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा, हावर को सेकंड में बदलिएगा, आंसर 5/18 ही आना है, कर लोगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, इट इज इक्वल टू 300 किलोमीटर पर सेकेंड भी, 300 meters per second इसका स्पीड है इन मीटर पर सेकेंड भी, कर लोगे। अब ये क्या दे रखा है भाई, वो जहाज उड़ कैसे रहा है, ईस्ट वेस्ट में भी, ईस्ट वेस्ट में उड़ रहा है, तो उसके विंग्स कहाँ पे होंगे, नॉर्थ साउथ में होंगे, यस सर नो, तो एंगल कितना भाई, देख लो ढंग से, फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइंस क्रॉस उसमें से कर रही है विंग्स से, जीरो एंगल भी, ठीक है, यस सर नो। और ये क्या है, इट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, अपने दो कंपोनेंट पढ़े थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट गिव द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी दे रखा है आपको, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इन अकॉर्डिंग टू वर्टिकल कंपोनेंट्स भी, यस आर नो, कुछ नहीं है, हेमिस्फीयर ये स्फीयर कुछ नहीं है भाई, बी दे रखा है, वी दे रखा है, एल दे रखा है, थीटा दे रखा है, सॉल्व कर लो, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज मोशनल ईएमएफ क्लास, इट इज BLV सिंपल वी, cos 0 BLV cos 0, यस और नो, cos में पता था कि cos होता है भाई, तो cos हम वैसे 1 लेके चलते हैं वहां पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 1.75 × 10^-5, व्हाट इज L, 40, व्हाट इज V, 300, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन में, इसका आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग 0.21 volt भी। लिखिए क्लास, ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ वन मीटर जल्दी से लिखिएगा, इज रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ये हर्ट्ज है भाई, ठीक है, चक्कर है रोटेशन मान लीजिए इसको,
आरपीएम लिखते हैं, आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड ले लीजिए, ठीक है, हो गया भाई। विद वन एंड इज हैंग्ड, विद वन एंड इज हैंग्ड, एच आई एन जी डी, हैंग्ड एट द सेंटर, एंड अदर एंड, एंड अदर एंड, एक मिनट भाई, मैंने क्या लिखवा दो बताइए एक बार, एंड अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ, अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर मेटेलिक रिंग, अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 meter, ऑफ रेडियस 1 meter, हो गया। आगे लिखिए अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। आगे लिखिए ए कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 tesla पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, व्हाट इज द, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द सेंटर और सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। क्या क्वेश्चन अभी क्लास, एक रोड है अभी, है ना, इसकी लेंथ कितनी है 1 meter, देखो क्वेश्चन राइट लिखता हूँ क्वेश्चन को, देखो उसमें कुछ और भी दे रखा, पता नहीं क्या क्या नोटिंग दे रखी है, एक सर्कल अभी, एक रिंग दे रखी है जिसका रेडियस 1 meter का अभी, और इसके सेंटर पे एक रोड है ऐसे, वो भी लेंथ 1 meter की है जिसको घुमा रहे हैं हम लोग, और एक एक्सिस के सेंटर से पास कर रही है ऐसे, दे दो उसकी वो स्टेटमेंट, वो बता रहा हूँ आपको मैं, और यूनिफॉर्म फील्ड इसी एक्सिस के पैरेलल है हर जगह पे, तो यूनिफॉर्म दे रखा है भाई, यस और नो, तो ये तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो हम इनवर्ट मान लेते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे, और ये घूम रही है अभी ऐसे, यहाँ पे घूम के आ गई हो किसी एंगल के साथ थीटा भाई, पूरा नहीं घुमा रहा है इसको, थोड़ा कुछ एंगल पे घुमाया होगा, कुछ बता नहीं रखा कि पूरा घुमाया है इन्होंने, यस और नो, तो क्वेश्चन है इस रोड में कितना मैग इंड्यूस्ड ई एम एफ बनेगा, डी फाई है ना, इसमें बी इंटू ए अभी, तो ये लिख देते हैं इट इज बी डी ए बाई डी टी, फाई को डी ए लिख दिया मैंने, एरिया चेंज हो रहा है, यस और नो, तो एरिया देखो कितना होगा अभी, जो पूरा एंगल घूम रहा है ये, तो कितना एरिया था उस टाइम, पाई आर स्क्वायर, यस और नो, यानी 2π एंगल घूमने से कितना एरिया कवर किया गया, पाई आर स्क्वायर, यस और नो, 1 angle घूमने पे पाई आर स्क्वायर बाई 2π, और थीटा एंगल घूमने पे गुणा में थीटा, तो कितना आया चेंज इन एरिया आ गया भाई, इट इज डी ए, सही है, हमें पूरा घुमाना नहीं है, कुछ एंगल पे घुमाना है, कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, तो कितना वैल्यू हुआ, पाई से पाई काट दें, डी ए का वैल्यू कितना हुआ भाई, आर स्क्वेयर थीटा बाई 2, यही होगा, चेक करो, आर स्क्वेयर थीटा बाई 2, तो चेक करना पड़ेगा एक बार, बी ई डी ए बाई डी टी, ए कितना है भाई क्लास, आर स्क्वेयर थीटा बाई 2, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं डेरिवेटिव से, इट इज बी, 2 भी कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी, यही होगा ना, क्यों एंगल चेंज हो रहा है, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, इट इज एंगुलर वेलोसिटी भी,
ये हो जाएगा भाई बी आर स्क्वेयर बाई टू, इट इज ओमेगा भाई, और ओमेगा होता है टू पाई म्यू भाई, यस और नो? तो इज इक्वल टू बी आर स्क्वेयर बाई टू इन टू टू पाई म्यू भाई। आपको फ्रीक्वेंसी दी गिवन ही है, ठीक है, तो कितना आंसर हुआ, टू से टू काट दें तो ए का वैल्यू कितना हुआ बी आर स्क्वेयर, पाई भी है पाई म्यू बाई, बस यही है बी आर स्क्वेयर पाई म्यू, सब कुछ क्यों ना भाई, बी का वैल्यू है, आर का है, पाई का है, म्यू का है, पुट करके चेक करना आंसर आएगा नहीं आएगा,